तो इस मंदिर में आ गए हम। इस मंदिर का नाम है दादा चेतराम। तो आज हम जा रहे हैं मछलियों को खाना देने और मकड़ियों को भी खाना देने। तो अब हम आ गए हैं बने के अंदर वहाँ पर, और सामने वहाँ पर है मंदिर। तो इस मंदिर में आ गए हम। इस मंदिर का नाम है दादा चेतराम कुछ। और यहाँ पे एक तालाब भी है वहाँ पानी का। अब यहाँ पे ये पेड़ गिरा हुआ है, अब हम उस साइड जाकर दिखाएंगे। तो तालाब के पास जाने का रास्ता ये है, और पहले यहाँ से कच्चा था, अब यहाँ से पक्का कर दिया इन्होंने। तो चलो चलते हैं। ये गाय हेलो। तो अभी हम पहुँच गए हैं इस तालाब के पास में। और ये तालाब बहुत बड़ा है, यहाँ पर मछलियों को सभी खाना डालने के लाते हैं। देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। और यहाँ पर ये मछलियाँ कितनी सारी हैं। इतना मस्त भी हो रखा है यहाँ पर। ये जितने भी लोग आ रखे हैं ना, यहाँ पर सारे मछलियों को खाना डालने के लगते हैं। और राम राम, वो देख मछली, देख ले कितनी सारी मछलियाँ। यार ये जो गायब हो गई है, देखिए। कई बार तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सब आजकल सभी लोग धर्म कर्म में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और लोग मछलियों को खाना डालकर अपनी थैली यहाँ पर ही गिरा कर चले जाते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप यहाँ पर मछलियों को खाना डालने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर अपनी थैली उठाकर लेकर जाएं घर पर। यहाँ पर ऐसे कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए। और भाई यहाँ पर एक मंदिर भी है, और इस एरिया को वैसे तो बनी के नाम से सारे जानते हैं। और यहाँ पर सारे खेत वगैरह हैं, और यहाँ मैंने बताया कि सारे मछली वगैरह को खाना देने आते हैं। और जो ये वाला यहाँ पर जगह बनाई गई है, यहाँ पर कीड़ों को सारा खाना डालते हैं। और यहाँ पर गौशाला का बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, सभी वहाँ पर गाय वगैरह को खाना देने जाते हैं। और उस साइड पड़ता है पुलिस स्टेशन। मैंने वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन की वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पर। पीछे आ रही है मोर की आवाज। बैठो एंड दिस इज काओ, और ये मेरे को घूर रही है। और उधर है एक अखाड़ा, यहाँ पर सभी रेसलिंग करते हैं सुबह और शाम। फिलहाल अभी तो कोई नहीं है, अगर होता तो दिखाते। और अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं खेतों में। इतनी सारी हरियाली हरियाली हो रखी है, इधर आके इस बस शांति मिलती है। और सिर्फ ये एक बादल है जो पूरे आसमान में चमक रहा है, नहीं तो आसमान के अंदर कोई भी बादल नहीं चमक रहा। बेचारे पक्षी। काशु चलो, काशु को फॉलो करो भाई। डांस करे मोटे बुला ले, कैसे बुला ले। एक नंबर का मौसम हो रखा गति। ज़्यादा
लो भाई घूम लो, जो खेतों में नहीं घूमा था वो दिनों से। एक नंबर की आवाज़ चल रखी है। और इसकी मम्मा सुन लो भाई, काशी मम्मा बाय कशी बाय शू बाय। पीछे से मंदिर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और अभी चांद भी निकल गया है और अब हम जा रहे हैं घर। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय टाटा।